जमालपुर के सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल में शुक्रवार सुबह उस समय हंगामा हो गया जब कुछ स्कूली बच्चों के परिजनों ने टीचर पर मारपीट करने का आरोप लगा दिया। स्कूल के बाहर हंगामा करते करते परिवार वाले पुलिस कॉलोनी के पास जाम लगाने पहुंच गए। माहौल बिगड़ता देख इसकी जानकारी किसी ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना जमालपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डीओ को मौके पर बुला उनका मामला हल करने का आश्वासन दिया। इसके बाद बच्चों के परिवार वाले सड़क जाम करने से पीछे हटे। हालांकि डीओ एलिमेंट्री ने मौके पर पहुंचकर जांच का आश्वासन दिया है। बच्चों के परिवार वालों ने कहा कि हर वीरवार सुबह जब स्कूल टीचर स्कूल आती है तो कुछ समय बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो बच्चों को बिना वजह मारपीट करने लगती है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि वो किताब लेकर पढ़ रहे होते हैं कि अचानक से टीचर डंडा उठाकर पीटना शुरू कर देती है। टीचर ये तक नहीं देखती कि बच्चों को चोट कहाँ लग रही है। बच्चे किसी तरह से खुद का बचाव करते हैं। बच्चे हर वीरवार को परिवार वालों को इसकी जानकारी देते हैं। इस बार परिवार वालों को बच्चों ने बताया तो उन्होंने तुरंत इकट्ठा हो स्कूल जाने का फैसला किया। छात्रों के परिवार वालों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मैडम को वीरवार के दिन कुछ हो जाता है। छात्र अनमोल प्रीत सिंह ने कहा कि हम क्लास के बाहर खड़े थे, इतने में मैडम ने आकाशदीप पर डंडे मारने शुरू कर दिए, बेवजह गालियां देने लगी। स्कूल की हेड मैडम ने आकर बच्चों को बचाया। इस मामले में शिक्षा विभाग से डीओ एलिमेंट्री रविंदर कौर ने बच्चों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बच्चों से मारपीट करना गलत है, विभाग को लिखा जाएगा कि टीचर का मेडिकल करवाया जाए। वो मानसिक रोगी हो सकती है, मामले की जांच कर अध्यापिका के खिलाफ बनता एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में टीचर कमलजीत कौर ने कहा कि वो उस कक्षा में वातावरण का विषय पढ़ा रही थी। एक शब्द था जिसे बच्चे गाली के रूप में बदल कर बोल रहे थे, इस कारण उन्हें डांटा गया है। कमलजीत ने कहा कि मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे झूठ बोल खुद को बचाने में लगे हैं। हाँ जी, बच्चिया जो सानू पता लग गया भी टीचर ने कल कुटमार की है, असी बच्चिया नू भी मिले हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।